इंजिनियर नाही आहे, मी फक्त एक मेकॅनिकल आहे, पूर्वीचा मेकॅनिकल आहे, आता सध्याचा रिक्षा ड्रायव्हर आहे, त्याचबरोबर मी एक फोर व्हीलरचाही ड्रायव्हर आहे. माझ्या आतापर्यंतच्या अनुभवामध्ये जो ऑइल चांगल्या चांगलं मी वापरत गेलो आणि त्याच्यामध्ये जो अनुभव आला त्या अनुभवामध्ये आता रिक्षामध्ये मी वापरतोय. पूर्वी आम्ही हे ऑइल टाकत होतो, हे पण 20-50 आहे. ह्या गाडीवरती जो आम्हाला जो गाडीचा जो सॅटिस्फॅक्शन पाहिजे होता. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? तो आज है हम अपने गैरेज पे आए हैं, अपने जो ऑटो ड्राइवर भाई है उनको मोटिवेशन करने के लिए और छोटे मोटे बिजनेसमैन को बढ़ाने के लिए अपना चैनल काम कर रहा है. तो भाइयों, मैं आज बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने कोई ब्लॉग नहीं डाला और आपके जो कमेंट्स आ रहे थे, राजेश भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही है, तो हम मेंटली थोड़े डिस्टर्ब थे. अपना जो कैमरा है GoPro Hero 9 ब्लैक, ये जो अपना कैमरा है GoPro Hero 9 ब्लैक, इससे ही हम शूटिंग करते हैं और इससे शूटिंग करने की वजह से ही हमारी वीडियो जो है वो प्रो हो गई और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो भी आने लगी. लेकिन इसमें थोड़ा सा सेटिंग का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए हम कोई वीडियो नहीं डाल सके अपने दर्शकों के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए. तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा, आज का शूट जो है मैं अपने मोबाइल से ही कर रहा हूँ. ये मोबाइल OnePlus 11 Pro है और इससे ही आज का हम शूट कर रहे हैं. और आज बताने वाला हूँ मैं कि अपने गाड़ी में जो अपनी फोर स्टॉक गाड़ी है, आपकी फोर स्टॉक हो, BS4 हो, BS6 हो, या फिर आपकी ओल्ड कोई भी गाड़ी हो, टू स्टॉक भी हो, तो आपके गाड़ी में जो ऑयल लगता है वो ऑयल के बारे में मैंने वो अधिकतर जानकारी आपको दे दी है अपने वीडियो के माध्यम से. लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होता है ना, आप दूसरा कोई ऑयल यूज कर रहे हो और अपने गाड़ी में अभी नया ऑयल यूज करना चाहते हो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिससे आपके इंजन का कोई काम नहीं निकलेगा, ना क्लच प्लेट फेल होगा, ना ही कुछ बेरिंग का इश्यू होगा. तो आज मैंने अपनी गाड़ी कम से कम 10,000 की एवज में 16,000 किलोमीटर चलाई है और 16,000 चलाने के बाद मेरे इंजन का ऑयल जो है उसको टॉकअप कर करके चलाया, क्योंकि मैंने जो ऑयल ऑर्डर किया था वो आने के लिए लेट हो गया. तो आज मैं वो ऑयल के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ. तो भाइयों, ये ऑयल है कैस्ट्रॉल का फुल्ली सेंसेटिक, ये कैस्ट्रॉल का फुल्ली सेंसेटिक ऑयल है. ये ऑयल अपने इंजन में लगाने से आपकी गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाएगा. ये ऑयल आता है 800 से 900 रुपए तक, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो. ये कॉम्बो पैक है 1.2 लीटर का, तो इसके अंदर आपको एक फ्लैशर भी मिल जाता है, एक छोटा बॉटल साइड में दिया है. ये फ्लैशर है, इसको आप अपने इंजन में डाल के फ्लैश कर सकते हो और इंजन अंदर से पूरा क्लीन हो जाएगा, उसके बाद में ये ऑयल यूज करना है. अगर आपके पास फोर स्टॉक गाड़ी है तो उसके लिए 1.7 लगेगा, और आपकी अगर टू स्टॉक गाड़ी है तो उसके लिए 1 लीटर लगता है. तो ये 1.2 के पैकेज में आता है. तो भाइयों, ये ऑयल यूज करने से आपकी गाड़ी डबल चलने वाली है. जैसे कि आप 5,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज करते हो, तो आप 10,000-12,000 किलोमीटर पे भी चेंज कर सकते हो. तो आज मैंने 16,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद आज इसका ऑयल में पलटी करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि ऑयल में चिकनाहट कितनी है, और उसको टॉकअप किया हूँ और अदर ऑयल यूज किया हूँ टॉकअप के लिए. उसमें भी कैस्ट्रॉल का हम लोग फुल्ली सेंसेटिक यूज नहीं करते थे, सिंपल वाला जो मैंने वीडियो डाला था उसकी भी लिंक में दे रहा हूँ, वो वाला ऑयल यूज करते थे 500 रुपए लीटर वाला. दोस्तों, ये है शैम्पू जो आपको 1.2 के बॉटल में आ जाता है, इसे इंजन फ्लैशर भी बोलते हैं, और इसे अभी हम अपने इंजन में लगाएंगे और लगाने के बाद हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे. कम से कम आपको 5 मिनट खड़ी गाड़ी में, 5 मिनट 10 मिनट चालू रखना है, और जो अपना ओल्ड ऑयल रहता है उसी के अंदर डाल के रखना है. डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप कि अपना इंजन ऑयल खुल चुका है और ऑयल के जो अंदर का कचरा रहता है, इंजन के अंदर जो घसरण हुई रहती है, वो घसरण पूरी ऑयल के साथ बाहर आ जाती है और पूरा इंजन अंदर से क्लीन हो जाता है. इसके बाद अपना जो नट है वो नट को अच्छे से साफ करके इसमें थोड़ा सा रेड ट्यूब लगा के इंजन में टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद ये नट जब अपन टाइट करेंगे उसे आराम से टाइट करना है, क्योंकि ये स्लिप होने का बहुत चांसेस रहता है. फिर अपना जो फिल्टर है, फिल्टर भी अपने को नया डालना है. अगर अपन ऑयल डाल रहे हैं अच्छा, तो फिल्टर भी डालना है अच्छा. देखो ये फिल्टर निकाला और फिल्टर अपना है पूरा गाढ़ा, देखो ऑयल पूरा इसके अंदर, इसीलिए फिल्टर अपने को चेंज करना है. और फिल्टर नया लगाने के बाद उसको पहले धीरे से हाथ से टाइट करना है. हाथ से टाइट करने के बाद उसको पानी से अच्छे से घुमाना है, और घुमाते समय ध्यान रखिए अच्छे से आराम से करना है. और ये जो अपना ऑयल है, ऑयल का बॉटल आप देख सकते हो क्या ब्रांडिंग है, पैकिंग है, ये 900 रुपए लीटर वाला ऑयल है, लेकिन अपने को ये फ्लिपकार्ट से हमने मंगाया है तो हमें इसमें प्राइस कम आ गई है, और प्राइस जो डिफरेंस आई है उसका भी मैंने बताया, 750 रुपए का हमें ये
पड़ा है, तो इसके अंदर एक कूपन रहता है, वो कूपन का भी आप यूज कर सकते हो कहाँ पे देखे, या फिर वो ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो ये ऑयल अपने इंजन में पूरा लगाना है 1.7, मतलब 1 लीटर 700 ही अपने को डालना है इसके अंदर, ज्यादा ऑयल डालना नहीं है, ठीक है। और ये हमने अभी यूज भी किया था और ये पहली बार पलटी किया है, और इसका परफॉर्मेंस सब देखने के बाद ये हमने वीडियो शूट किया। इसके पहले हम दूसरा ऑयल यूज करते थे, उसका भी मैंने हमको बताया। लेवल अप पूरी तरह से अच्छे से चेक करना है और उसके बाद देखते हैं। लेवल अप भी आपको अच्छी तरह से करना है, जैसे कि आपने अपने इंजन में ये ऑयल लगाया है तो इसमें 1.7 का ही यूज कीजिए। 1.7 यूज करने से आपके जो लेवल अप है वो बराबर से आपको दिख जाएगी, इसमें ऑयल बच जाएगा, वो टॉप अप के लिए आप रख सकते हैं। चलिए इसकी अधिकतर जानकारी हमारे दिवाकर भाई और साई भाई से लेते हैं और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। जो है राजू भाई ने आज डाला ऑयल, 15,000 किलोमीटर चला चुके हैं और बढ़िया चल रही गाड़ी, और बाकी मेरे साई भी डालते हैं, इंटिया भाई वो भी डालते हैं, मैं अपने खुद की गाड़ी में भी डालता हूँ, एक नंबर आई ले। और प्लग भी अच्छे डालते हैं हम लोग, जो कि 1400 के प्लग आते तो ये डालने से गाड़ी अच्छी चलती है और कोई काम नहीं निकलती है, बढ़िया एवरेज देती है, माइलेज देती है, स्टार्टिंग एक नंबर होती है। ये क्रेस्टन का शैम्पू आहे, त्याला आपण फ्लायस ऑइल पण म्हणतो। दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये आहे ना फुल्ली सिंथेटिक ऑइल आहे, हे फाईन वन म्हणजे याच्यामधील खासियत म्हटली तर याच्यामध्ये जे चिकनाट आहे किंवा जे आपण जो म्हणतो जो सगळ्यात जास्त जो थिकनेस किंवा आपल्या इंजिनवरती लोड न येण्याकरता जे लागतं त्या गोष्टींकरता हे खूप चांगलं ऑइल आहे। ह्या ऑइलची खासियत अशी आहे की ज्या वेळेला तुमची गाडी चालते त्यावेळेला बिलकुल जो फुल रेसमध्ये जो आवाज येतो तो आवाज कमी येतो, त्याचबरोबर हिचं परफॉर्मन्स म्हणतो आपण त्याला तेही खूप सुंदर आहे। त्याचबरोबर हे ऑइल जे आहे ते जास्त लवकर गरम होत नाही व जास्त थंडही होत नाही, म्हणजे हे ऑइल असं म्हणतात की एकतर खुल्ली पूर्णपणे एकतर बर्फाळ प्रदेशात वापरतात किंवा अति उष्ण प्रदेशात, पण आपली जी रिक्षा आहे ही सगळ्यात जास्त गरम होणारी गाडी आहे, कारण की दिवसातून 125 ते 150 किलोमीटर चालवल्याशिवाय एका रिक्षा ड्रायव्हरला त्याच्या पोटापाण्याचं सोय होणं शक्य नाही। म्हणून ह्या गाडीच्या हिशोबाने माझ्या तरी मते, माझ्या मते, मी इंजिनियर नाहीये, मी फक्त एक मेकॅनिकल आहे, पूर्वीचा मेकॅनिकल आहे, आता सध्याचा रिक्षा ड्रायव्हर आहे, त्याचबरोबर मी एक फोर व्हीलरचाही ड्रायव्हर आहे, माझ्या आतापर्यंतच्या अनुभवामध्ये जो ऑइल चांगल्यात चांगलं मी वापरत गेलो आणि त्याच्यामध्ये जो अनुभव आला त्या अनुभवामध्ये आता रिक्षामध्ये मी वापरतोय। मीही आता सध्या माझ्या गाडीमध्ये हे ऑइल टाकतोय, हे ऑइल मी आता सध्या 13,000 किलोमीटर गाडी चालवली आहे आणि अजूनही ऑइल जसंच्या तसं आहे, चांगलं आहे। थोडस गरमीमुळे ऑइल कमी होतं, हे सगळे जे लोक म्हणतात की ऑइल खाते, हे ऑइल खाल्ल्या जात नाही, ते सरासरीने 1000 किलोमीटरला 30 ते 40 ग्राम ऑइल हे जळतं, कारण की तुम्ही जे म्हणता की ऑइल खाते तर 30 ते 40 ग्राम फक्त 1000 ते 1500 किलोमीटरला ऑइल जळतं। पुन्हा मी सांगतोय, पुरात ऐकून घ्या, आणि त्याकरता आपल्या रिक्षा ड्रायव्हरांनी, मी असं ह्या कंपनीचे ब्रँडिंग करत नाहीये, माझ्याकरता जे मला अनुभवात आलंय त्या अनुभवाने मी हे तुम्हाला सांगतोय आणि तुमच्या हिशोबाने सांगतोय। थोडं महाग आहे, चांगलं आहे, आपण एक वेळा वापरून बघा, तुम्हाला काय अनुभव होतो तो आम्हाला कळवा व्हिडिओच्या मार्फत, आणि या राजेश भाईंच्या याच्यामध्ये तुम्ही त्याचं कमेंट टाका, तुम्हाला जे पण काय अनुभव होतील ते तुम्ही राजेश यांच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही त्याच्यावरच्या कमेंटमध्ये टाकू शकता। पूर्वी आम्ही हे ऑइल टाकत होतो, हे पण 20-50 आहे, क्रेस्टॉल GTA क्रेस्टॉलचंच ऑइल आहे, सेमी सिंथेटिक आहे। ह्या ऑइलमध्ये गाडी चांगली परफॉर्मन्स देत होती, पण तरीही देखील काही गोष्टींच्या हिशोबाने, म्हणजे हे 3-in-1 आहे, इथे लिहिलेलं पण आहे 3-in-1, तर हे ऑइल आम्हाला थोडंसं वाटलं की अजून गाडीला काहीतरी चांगलं अजून काहीतरी द्यावं म्हणून आम्ही याच्या मागच्या टायमाला आहे ना हे ऑइल चेंज केलं। तर ह्या गाडीवरती जो आम्हाला जो गाडीचा जो सॅटिस्फॅक्शन पाहिजे होता, जे गाडीचा आपल्याला जो परफॉर्मन्स असतो, जो कूलिंग असतं, जो स्मूथनेस असतो, त्या गोष्टी मिळण्याकरता आहे ना आम्ही मागे हे ऑइल चेंज, हे ऑइल बदली केलं आणि दुसरं ऑइल आम्ही हे स्टार्ट केलं। याच्यावरती आम्ही 16,000 किलोमीटर चालवली, मी माझी स्वतःची गाडी 14,000 किलोमीटर चालवली, राजेशने 16,000 किलोमीटर चालवली, दुसरा एक विशाल देशमुख आहे
त्याने 12,000 चालवली, म्हणजे असं कोणी नाही की जो 10,000 खाली आहे. त्याकरता आम्ही हे ऑइल चेंज करून आहे ना त्याच्यावरचा प्रॉब्लेम आणतो आणि प्रत्येकाला विचारतोय, म्हणजे ज्याने ज्याने टाकलं आमच्यातल्या जवळजवळ 7 ते 8 जणांच्या ग्रुपमध्ये आम्ही हे ऑइल टाकलेलं आहे. प्रत्येकाचं हेच म्हणणं आहे की फक्त सुरुवातीला थोडंसं सकाळी आहे ना गाडी नॉकिंग करते, त्याच्यानंतर जी स्मूथनेस येते गाडीला किंवा जो एकदम आपण म्हणतो ना एकदम मस्का किंवा मक्खन जो म्हणतो ना आपण तशा प्रकारचं एकदम मक्खन होऊन जाते गाडी. म्हणून मी म्हणतो की होता येईल तेवढं थोडंसं महाग वाटतं, थोडंसं हे आहे त्याकरता. आणि हो, हे ऑइल आम्ही आताही यूज करतोय, नाही असं नाही, ज्या वेळेला हे ऑइल काही कारणास्तव जळालं किंवा थोडंफार कमी झालं तर त्यावेळेला टॉपअपला आम्ही हे वापरतो, कारण की हे जवळजवळ 800-850 रुपये लिटर आहे आणि हे 550 रुपये लिटर आहे. दोन्हीतला फरकही आहे, दोन्हीतला स्मूथनेस पण वेगळा आहे. फक्त आम्ही हे थोडंसं यूज का करतो, ज्या वेळेला म्हणजे ऑइल टॉपअप करण्याकरता किंवा कमी झालेलं ऑइल पूर्ण करण्याकरता आम्ही हे यूज करतो. तो भाइयों, ये ऑइल जो था हमने 16,000 किलोमीटर अपनी ऑटो चलाई और 16,000 के बाद जो ऑइल का परफॉर्मेंस था वो तो आपने देखा, चिकनाहट क्या थी वो भी मैंने आपको दिखाया. लेकिन अभी जो है हमने ये ऑयल चेंज कर दिया है 16,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलाने के बाद. इसमें जो ऑयल जल रहा था वो जलने के बाद टॉकअप भी किया है, टॉकअप के लिए भी ऑयल यूज किया था वो भी मैंने आपको बताया. अभी हमारे गाड़ी में ये ऑयल चेंज हो चुका है और हम जाने वाले हैं लॉन्ग जर्नी के लिए. लॉन्ग जर्नी मतलब पूरे 300 किलोमीटर की जर्नी है और 2 दिन की ट्रिप है, 300 जाना 300 आना, ऐसा 600 किलोमीटर की जर्नी है. 10 तारीख को नाइट में हम जाने वाले हैं शिरडी की ओर और एक नहीं दो गाड़ियां रहेगी. अभी कल हमारे साई भाई है जिनका आपने देखा परफॉर्मेंस क्या है, ऑयल के अंदर पूरा डिटेल और जानकारी आपको मिल चुका है. अगर आपको यूज करना है तो आप कमेंट कीजिए या कॉल भी कर सकते हैं. ठीक है भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से कि हम जो रनिंग करने वाले हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है. उस दिन का वीडियो भी देखने के लिए उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा. तो भाइयों चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, आइए.